Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के डे नंबर 24 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि गाइज आज ऐसे ऐसे क्लब्स के इनॉग्रेशन होंगे जो आपने सिर्फ और सिर्फ फैंस के मुंह से सुना होगा, आपने दिल में सपने सजाए होंगे कि कभी ना कभी फिल्में इतना कलेक्शन करेगी, लेकिन आज वो सारे सपने सच होंगे, क्योंकि वन मैन ड्रीम्ड ऑफ इट एंड वन मैन अचीव्ड। एंड गाइस वो इंसान है शाहरुख खान। उसने एक सपना देखा होगा कि मेरी फिल्म कभी इतना करेगी, लेकिन उस सपने को साकार करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जिसने उनका साथ दिया, वो है जनता। यू आर द पावर, यू आर द पीपल। आप सिनेमा घर जाते हो, सिनेमा घर भरते हो, तभी जाके कलेक्शंस आते हैं। जब तक आप सिनेमा घर नहीं जाओगे, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, कलेक्शन नहीं आएगा। जो फिल्म कमाती है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के वजह से कमाती है। जनता जनार्दन है, उनका पूरा का पूरा समर्थन मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म जवान को। और जो कलेक्शन आया है, इट विल कम्प्लीटली बैफल यू। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं सुपर सैटरडे विनर्दन जवान। सो गाइस डे नंबर 23 जो था वहां पे हमारा प्रेडिक्शन था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं हिंदी में 5 करोड़ कमाएगी, तो हिंदी का कलेक्शन 530.50 करोड़ होगा। तमिल तेलुगु से शायद 13 लाख आएगा, तो उनका कलेक्शन 58.97 करोड़ होगा। एंड इसी के साथ ऑल लैंग्वेजेस का जो टोटल होगा वो होगा 589.47 करोड़ का। ओके, तो 600 करोड़ बस टच एंड गो है यहाँ से। तो 5.13 करोड़ हिंदी नेट, इसका ग्रॉस होगा 6.13 करोड़। ओवरसीज ये फिल्म कहीं ना कहीं 4 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि कल भी डे नंबर 23 को भी ये फिल्म जो है 10.13 करोड़ कमाकर पठान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल है, यानी कि 1050.40 करोड़ उसको तोड़कर 1053.34 करोड़ जो है वो कमा लेगी। आज है सैटरडे, शोज ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं, दिस इज नॉट द फाइनल शोकेसिंग। रात को जब हम मिलेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली इसकी फाइनल शोकेसिंग जो है बताऊंगा। मुंबई कल 348 था, आज 366 है। शुरुआत करते हैं थर्सडे से, थर्सडे 291 शोज थे। जब फुकरे त्रियन, वैक्सीन वॉर, चंद्रमुखी, स्कंदा फिल्म ये सब आई थी ना, तब अच्छे खासे शोज जवान से ले लिए गए थे। जनता का प्यार देखकर वापस से यहाँ पर ऑडियंस के लिए शोज दे दिए गए। कल बहुत लोग पूछ रहे थे कि 1+1 का सीन क्या है, तो मैं आपको कोड्स बता देता हूँ, जाके आराम से ऐप पे बुक कीजिएगा। लाइव आर लास्ट दिन है गाइस, ये ऑफर जो था सिर्फ और सिर्फ देखिए बाय वन गेट वन फ्री वॉज फॉर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो पता नहीं कल शायद कंटिन्यू करे या नहीं करे। ये जो है वो सिर्फ इंटरनेट बुकिंग जो है, ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो होगा, टिकट काउंटर पे नहीं होगा। ये बुक माई शो पे बुक करोगे तो होगा, पेटीएम पे बुक करोगे तो होगा, पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस इनकी वेबसाइट्स पे जाके बुक करोगे तो होगा। अगर आप बुक माई शो से बुक कर रहे हो, टिकट बुक कर लो, सीट सेलेक्ट कर लो, वहां पे होगा एंटर कोड, उसमें आपको कैपिटल लेटर्स में जवान लिखना है, फिर मैजिक देखना, मैजिक पूरा 50% हो जाएगा प्राइस। 120 की टिकट होगी तो 60 रुपए देना पड़ेगा दो आदमियों का। भैया बहुत बढ़िया, हम भी जा रहे हैं आज, सबको ले जाएंगे। अब कितनी बार जवान देगा बताइए, मत सबको भाई। पेटीएम मूवीज जवान बोगो बाय वन गेट फ्री JAWANBOGO पीवीआर आइनॉक्स की वेबसाइट पर जवान बोगो सेम, एंड सिनेपोलिस की वेबसाइट पे JWANRL7WW4। ओके, तो ये कोड्स डालिए एंड 1+1 टिकट का जो ऑफर है उसको एंजॉय कीजिए। बात करेगा यहाँ पे पुणे की, 130 से 135, बेंगलुरु 55 से 58 हो गया है, हैदराबाद 88 से 91, कोलकाता 176 से 180, अहमदाबाद 164 से 179। बेंगलोर में आज शोज बढ़ेंगे, क्योंकि गाइस कल आई थिंक थिएटर्स बंद थे शाम तक, तो आई थिंक वापस खुलेंगे तो शोकेसिंग डेफिनेटली बढ़ेगी। चेन्नई 10-10, सूरत 101 से 109, जयपुर 85 85, चंडीगढ़ 29 से 32, एंड गाइस लखनऊ 95 से 100। ये यहाँ पर टेंटेटिव शोकेसिंग है। ओके, उम्मीद है डेफिनेटली 11-11.5 तक और शोज ऐड होंगे, इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर शाहरुख खान जवान डे नंबर 24, अ वेरी बोल्ड प्रेडिक्शन, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपीज 24वें दिन पर
सिर्फ हिंदी में अगर कमाती है, ब्रेस योरसेल्फ, द हिंदी वर्जन विल बी ऑन 540.50 करोड़, 540.50 करोड़, 550 क्लब इनॉग्रेशन करने वाले हैं भाई। एंड गाइस, साउथ में कहीं ना कहीं 30 लाख आया, एंड साउथ के वर्जन 59.27 करोड़ होगा, दोनों को मिला लू, ब्रेस योरसेल्फ, ये आपके हाथ में है कि आज 24वें दिन पर इसको 600 करोड़ टच कराना है, 599.77 करोड़। शाहरुख खान, द ओनली फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ आर फुल कंप्लीट सिनेमा 600 करोड़ नेट कलेक्शन, बॉलीवुड में इससे पहले किसी भी आदमी ने 600 करोड़ का शक्ल देखा नहीं है। शाहरुख खान उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहा है गाइज, वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों में। सो 10.30 करोड़ नेट, उसका ग्रॉस होगा 11.30 करोड़। ओवरसीज सैटरडे है तो मासी होगा, ओके मासी कौन है भाई बता दीजिए हमको, सर मासी बीजीएम है, ओके ओवरसीज होगा 6, तो गाइस 17.30 करोड़ का वर्ल्ड वाइड आज भी आने वाला है 24th डे पर। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 1070 करोड़ बुक कहाँ गई मेरी, मैंने पहले दिन ही कहा था कि दिस इज गोना बी कंप्लीट क्रेजी, एंड वो ही हो रहा है, दिस इज मैडनेस गोइंग ऑन, एब्सोल्यूट केओस, केओटिक सिचुएशन चल रहा है गाइस यहाँ पर। सो गाइस 24वें दिन पर हमारे पास लैंडमार्क्स क्या क्या होंगे, हिंदी तमिल तेलुगु मिला के 600 करोड़ नेट, जो मेरा लाइफ टाइम प्रेडिक्शन है कि सब लैंग्वेजेस 650 करोड़ तो मिनिमम जाने वाली है फिल्म, वर्ल्ड वाइड 1070 करोड़ होगा, आज का लाइफ टाइम नहीं है बाबा 1070 करोड़, वर्ल्ड वाइड जो है मेरा फाइनल प्रेडिक्शन 1100 करोड़ के ऊपर तो मिनिमम जा रही है फिल्म, इजी होगा आई थिंक 1125-1130 करोड़ ये फिल्म डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड जाएगी। एंड हिंदी का प्रेडिक्शन है 540.50 करोड़ आज 24वें दिन तक, एंड हिंदी तो हंसते हंसते कल संडे 25वें दिन पर 550 करोड़ कमा रही है सिर्फ हिंदी भाषा में। शाहरुख खान जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एवर, एंड इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंडर तो बहुत है भाई, टाइगर है हाँ, डंकी है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेट्स सी गाइस कौन तोड़ता है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल शाहरुख खान जवान ये जो बाय वन गेट वन का ऑफर था ना, ये दो दिनों का ट्रिक कर दिया है, आज सैटरडे तो ऑडियंस जाएगी जाएगी, 1+1 भी है, मैंने आपको दिखाया नजारा 1+1 का, जस्ट इमेजिन आज सैटरडे है क्या होगा। सो गाइज फाइनल मौका मिस मत कीजिए आईमैक्स में 1+1 देखने का, साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।